हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में। दोस्तों, जब से अंबुजा सीमेंट का अदानी टेक ओवर किया है, तब से इसमें लगातार तेजी देखने को मिली है और इसमें लगभग 50% या 60% के आसपास की तेजी हो चुकी है। अब यहाँ पर निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या अभी इसमें और भी नई चाल बाकी है या इसे बेचकर इससे बाहर निकल जाना चाहिए? चलिए जानते हैं इस पर एक्सपर्ट की क्या राय है। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो सीमेंट के इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल जीडीपी है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और सीमेंट एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो सीमेंट का कंजम्पशन तो बढ़ना ही है। मेरे ख्याल से इंडिया में सीमेंट की कंजम्पशन अगले 3-5 साल में सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी और ऑब्वियसली अंबुजा सीमेंट्स इसमें एक फ्रंटलाइन प्लेयर है, तो इसका डेफिनेटली अच्छी पोजिशनिंग और अच्छा फायदा होगा। बट मेरे ख्याल से जो निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं वो थोड़ा सा धीरे धीरे स्टॉक को खरीद ले। अभी स्टॉक शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा भाग चुका है, तो कहीं ना कहीं हम ऑलवेज देखते हैं कि ऊपरी लेवल पे स्टॉक में थोड़ी बिकवाली आती है और ये ट्रिगर पॉइंट इसलिए हुआ है क्योंकि अंबुजा सीमेंट्स ने अभी बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है कि वो 10,000 करोड़ और रेस करेंगे। तो मार्केट्स में ऐसा सबका मानना है कि शायद कोई इनऑर्गेनिक एक्विजिशन ऑन द कार्ड्स है, तो इसलिए शेयर शॉर्ट टर्म में भागा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट का मौका बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा बाय ऑन डिक्लाइन का स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है। वहीं से आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा, क्योंकि जो टाइम फ्रेम है वो कम से कम 2-3 साल अगर कोई रखता है तो अच्छा पैसा यहाँ से बन सकता है।